ज्योतिष ग्रंथ बृह संहिता में पानी, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व के लिए अलग अलग दिशाएं यानी जगह बताई गई है। कई वास्तुचार्य और वास्तु विशेषज्ञ का कहना है कि घर में इन तत्वों से जुड़ी चीजें भी इनकी दिशाओं के अनुसार रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से वास्तु दोष लगता है और नकारात्मक बढ़ती है। वास्तु के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा पानी के लिए अनुकूल है। इन दिशाओं में जल स्थान, टंकी या पीने का पानी रखा जाए तो घर में परेशानियां नहीं होती है, लेकिन इसके उल्टा यानी अन्य दिशाओं में पानी रखा जाए तो धन हानि और बीमारियां होती है और घर में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी की टंकी रखने की सही दिशा कौन सी होती है। नंबर एक, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा भी पानी का टैंक रखने के लिए शुभ है। इस दिशा में पानी होने से धन लाभ होता है। ऐसा घर उन्नति और समृद्धि देने वाला माना गया है। नंबर दो, उत्तर दिशा में पानी का टैंक यानी पीने का पानी रखा जाए तो ऐसे घर में शांति और सुख बढ़ता है। इन दिशाओं में नहीं रखनी चाहिए पानी की टंकी। नंबर एक, दक्षिण पूर्व दिशा को भी पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे अग्नि की दिशा कहा गया है। अग्नि और पानी का मेल गंभीर वस्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर दो, दक्षिण दिशा में पानी की टंकी या भूमिगत टंकी नहीं होना चाहिए, इससे परिवार में अशांति और धन हानि होती है। नंबर तीन, दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नेत्रिकोण में भी पानी की टंकी का होना अशुभ माना गया है। इस स्थान में पानी होने से घर में बीमारियां होने लगती है और कर्ज भी बढ़ने लगता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।